नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम जारी। बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम फिलहाल जारी है। राजस्थान में अब तक बने 9,60,000 मेंबर। 15 अप्रैल तक चलेगा यह अभियान। बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम फिलहाल जारी है। राजस्थान में अब तक 9,60,000 मेंबर्स कांग्रेस के बन चुके हैं इसके जरिए। बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने, कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप का प्रोग्राम जारी है। राजस्थान में अब तक 9,60,000 मेंबर बन चुके हैं। 15 अप्रैल तक यह अभियान चलेगा। बड़ी और अहम खबर यहां पर सामने, कांग्रेस डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम जारी है। आपको बता दें आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है और ऐसे में अब कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम जारी है। आपको बता दें इसके चलते राजस्थान में अब तक 9,60,000 मेंबर बन चुके हैं। 15 अप्रैल तक ये अभियान चलेगा और इसी के चलते हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, बड़ी खबर यहां पर सामने, बताया जा रहा है कि 9,60,000 मेंबर्स बन चुके हैं और 15 अप्रैल तक ये प्रोग्राम चलेगा। क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी मिल पा रही है अब तक? जी देखिए, राजस्थान में 15 अप्रैल तक डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम जारी रहेगा, जिसके तहत डिजिटल मेंबर पार्टी के बनाए जा रहे हैं और अब तक करीब 9,60,000 सदस्य राजस्थान कांग्रेस बना चुकी है और 1.5 लाख सदस्य हैं वो ऑन प्रोग्रेस है, यानी अभी यहाँ सिस्टम में है। और पार्टी का दावा है कि 15 अप्रैल तक डिजिटल मेंबरशिप प्रोग्राम के जरिए करीब 20 लाख सदस्य बना लिए जाएंगे, ये इनका दावा है। इसके अलावा 13 लाख रसीद है वो पीसीसी से पार्टी नेताओं को दी जा चुकी है और बाद में बैक डेट तक वो सब रसीदें वापस यहाँ जमा होती रहेगी। तो करीब 50 लाख का टारगेट रखा गया और इसमें यह है कि 26,000 जो मेंबर है ऑलरेडी पार्टी के पहले से बने रहते हैं, तो इसमें 26,000 के आसपास ही नए मेंबर बनाए जाएंगे। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए यहाँ पर डिजिटल तरीका अपनाया गया है, तो क्या ये माना जा सकता है कि कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा यूथ को मेंबर बनाना चाह रही है? जी देखिए, उसमें कोई उम्र की जो बाध्यता है वो यहाँ पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कोई भी जो उससे जुड़ना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, वो उससे जुड़ सकता है। हर वर्ग, हर जाति और हर सेक्टर से, चाहे वो बिजनेसमैन हो या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत यहाँ पर हो, इसकी कोई वो बाध्यता है वो रखी नहीं है। लेकिन महिलाओं और यूथ को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, ये जरूर पार्टी का फोकस है। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए आगामी चुनाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि सभी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी के चलते कांग्रेस भी अब फ्रंट फुट पर देखने को मिल रही है। ऐसे में डिजिटल तरीके से मेंबर्स जो बनाए जा रहे हैं, क्या कुछ कितना एक्टिव यहां पर मेंबर्स डिजिटल तरीके से पार्टी के अंदर रह पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक अच्छे तरीके से डिजिटल सिस्टम के जरिए मेंबर बना रही है कि आपका वोटर आईडी कार्ड है, उसकी फोटो लगेगी, इसके अलावा लाइव लोकेशन आपको भेजनी होगी और फिर ओटीपी आएगा और ओटीपी नंबर भेजने के बाद आपका पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, आपको कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप मिलेगी। जी बिल्कुल दिनेश, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और खबर दर्शकों को बता दे, यहाँ पर बड़ी जानकारी। बड़ी खबर बता दें आपको, बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। पीसीसी में आए 66 लाख रुपए, बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मनमोहन सिंह कमेटी की सिफारिश के तहत जमा हुए पैसे अब सिर्फ 20 लाख रुपए है महज बकाया। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। मार्च में बैंक के जरिए ऑटोमेटिक सैलरी काटने का कर दिया प्रावधान, पीसीसी में 66 लाख रुपए आए हैं। बड़ी खबर और लगातार हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, बड़ी जानकारी बताई जा रही है कि पीसीसी में 66 लाख रुपए आए हैं, क्या कुछ और जानकारी इस खबर से जुड़ी? जी देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सिफारिशों के तहत हर जनप्रतिनिधि, मौजूदा विधायक, एमपी हो या पूर्व, उसको अपने साल की एक महीने की सैलरी है वो जमा करानी होती है। इस बार विधायक दल की बैठक में यह तय हुआ कि बैंक में ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए मार्च महीने में ही जो वेतन है वो कट जाएंगे। लंबे समय से करीब 88 लाख रुपए इन जनप्रतिनिधियों में बकाया चल रहे थे, लेकिन पिछले दिनों करीब
66 लाख रुपए जो है पीसीसी के बैंक अकाउंट में आ चुके हैं और अब करीब महज 20 लाख रुपए बकाया है और अगले माह यह राशि भी पीसीसी के खाते में यहां पर जमा हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि विधायक दल की बैठक में ये नियम बना दिया गया है कि मार्च में ऑटोमेटिक बैंक के जरिए ये जो राशि है वो कट जाएगी, इसलिए अब ये राशि जमा हो रही है। पहले बार बार पीसीसी की तरफ से, कोषाध्यक्ष की तरफ से नोटिस पर नोटिस दिए जा रहे थे लेकिन जनप्रतिनिधि राशि जमा नहीं करा रहे थे, तो जाहिर सी बात है अकाउंट में राशि आई है तो पार्टी के जो अन्य गतिविधियां है जो आर्थिक सिस्टम के जरिए चलती है उनमें अब तेजी आएगी। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।